हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ वर्ब क्रिया। हम लोग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। और क्रिया के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, और इसका एग्जाम्पल और इसका रूल क्या है, और इसका रूल भी क्या कहता है। तो चलिए देखिए, व्हाट इज वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं इंग्लिश में, व्हाट इज वर्ब। ये वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक क्या है, वर्ड है यूज्ड फॉर सेइंग, कुछ कहने के लिए, समथिंग अबाउट सम पर्सन, कुछ पर्सन के लिए, और थिंग कुछ चीजें के लिए। और ये वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग, यानी किसी पर्सन के बारे में और किसी थिंग यानी किसी चीज सामान के बारे में। ठीक है, यानी क्रिया किसे कहते हैं, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है वह वर्ब कहलाता है। यानी कि क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, कौन कहता है, वर्ब कहता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है तो कौन कहता है, वो वर्ब कहता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहलाता है, यानी कि वर्ब ही कहता है, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं, यानी कि वर्ब कहलाता है, क्या, क्रिया कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वो वर्ब कहलाता है, यानी कि किसी कार्य का होना या किसी कार्य का बोध होना या करना, कोई भी हम लोग काम करते हैं तो काम हो रहा है या कोई कर रहा है तो उससे दो ही निकलता है, करना या होना। ठीक है, तो वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले उसके पहले हम लोग एक नॉट पॉइंट को देखना है, क्या देखना है, नॉट पॉइंट को, कुछ खास पॉइंट है पहचानने का, वर्ब को पहचानने के खास पॉइंट है, यानी कि मेन पॉइंट जो नोट में लिखा दिए हैं हम लोग, हम लिखा दिए हैं किसी भी अंग्रेजी शब्द के मीनिंग, किसी भी अंग्रेजी यानी कि वर्ड जो होता है उसका मीनिंग के अंत में, उसका मीनिंग के अंत में, यानी कि इंग्लिश में जो मीनिंग होता है उसका हिंदी जो मीनिंग निकलता है उसके अंत में क्या आना चाहिए, नमिया ना आए तो आप मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, एक तरह से बोले कि मन वर्ब मेन वर्ब को छोड़ दो, और हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वर्ड के मीनिंग जो होता है उसके अंत में, हिंदी मीनिंग के अंत में नमिया ना आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और किसी भी अंग्रेजी शब्द के मीनिंग के अंत में नमिया ना आए तो वह मेन वर्ब का उदाहरण होता है। अब जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं वो हमेशा क्या यूज होता है, अधिकतर मेन वर्ब होता है। ठीक है, इसी कारण मेन वर्ब का जो हमेशा जो नमिया ना आता है वो हमेशा मेन वर्ब का, मेन वर्ब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उसका उदाहरण होता है, क्या, नमिया ना। तो उससे हम लोग जान लेना है कि जिसमें जिस शब्द के अंत में नमिया ना आए उस क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल है गो मतलब जाना, गो मतलब क्या, जाना, प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना, तो नमिया ना आ रहा है, नमिया ना है सब में, ये क्या है, मेन वर्ब। और जो अधिकतर यूज करते हैं वो सब क्या करते हैं, मेन वर्ब भी यूज करते हैं। देखिए, आई एम रीडिंग, मैं खेल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूं, यानी कि खेलना, खेल मतलब क्या है, खेलना, तो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं खेल मतलब होता है खेलना, उसको तोड़ेंगे तो खेल का मतलब क्या होता है, खेलना, नमिया ना आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, यानी कि किसी शब्द किसी भी वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। और हम लोग वर्ब के पहचानने का एक ही रूल है, अंग्रेजी के मीनिंग जो हिंदी होता है उस हिंदी वाक में हमेशा क्या आना चाहिए, नमिया ना आना चाहिए, यानी कि पले, पले का हिंदी क्या होता है, खेलना, खेलना में क्या आ रहा है, नमिया ना आ रहा है, पढ़ना, पढ़ना में क्या आ रहा है, नमिया ना, यानी कि हिंदी के हम लोग जितनी भी वर्ब यूज करते हैं उसमें हमेशा नमिया ना आया है वो हमेशा क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। और उसी को हम लोग भी वर्ब बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमेशा जो अधिकतर ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब ही यूज होता है, इसलिए हम लोग नमिया ना से पकड़ सकते हैं कि मेन वर्ब है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्या वर्ब, यानी कि किड्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, किड्स ऑफ वर्ब क्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी कि किड्स ऑफ वर्ब के मतलब होता है कितने प्रकार के, यानी कि क्रिया जो वर्ब है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो जो क्रिया जो वर्ब है वो कितना प्रकार का है, दो प्रकार के, यानी कि कितने प्रकार के है, दो प्रकार के, यानी उसको बोल सकते हैं निम्नलिखित प्रकार के, क्या है, निम्नलिखित प्रकार के, यानी कि दो प्रकार के, क्या क्या है, पहला है मेन वर्ब जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, मुख क्रिया, लेक्सिकल क्रिया।
दूसरा हेल्पिंग वर्ब, एक्जिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। क्या है? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब यानी कि लेक्सिकल वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? एक्जिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो देखिए दोनों का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहले पहला है आई एम रीडिंग। क्या है? पहला है आई एम रीडिंग। तो जो रीडिंग है यहाँ पे, जो रीडिंग है जो मैंने इसमें पहले से ब्लैक पेन चला रखा है, ये क्या है? मेन वर्ब है। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है। और इसमें जो दूसरा वाला जो है एग्जाम्पल, जो दूसरा है इसमें क्या, आई एम रीडिंग। दोनों तो इंग्लिश जो सेंटेंस है वो दोनों सेम है, और हिंदी जो मीनिंग निकलेगा वो भी सेम है, मगर इसमें जो एग्जाम्पल है, जो इसमें जो वर्ब यूज हुआ है वो अलग अलग टाइप से यूज हुआ है। देखिए आई एम रीडिंग, इसमें रीडिंग जो है क्या है, मेन वर्ब यूज हुआ है, और इसमें जो है सो आई एम रीडिंग यानी कि एम जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को पढ़ने के लिए हम लोग को पूरा इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं पूरा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, इसका कुछ रूल होता है जिसके कारण मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहचानना होता है। ठीक है, तुम लोग को अभी जान लेना है कि मेन वर्ब और एक्जिलरी वर्ब में क्या होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में फर्क क्या है। देखिए जो मेन वर्ब जो होता है अधिकतर हमेशा क्या आता है, लास्ट में आता है। जो मेन वर्ब होता है हमेशा छोटा सेंटेंस में लास्ट में आता है। एक्जिलरी वर्ब जो होता है वो क्या होता है, एम इज आर होता है। ठीक है, एम इज आर, हैज हैव बीन, ये हमेशा क्या आता है, एक्जिलरी वर्ब इसी तरह से आता है। और जो मेन वर्ब होता है वो उसमें क्या होता है, कोई शब्द आता है, उसमें कोई शब्द आता है, पढ़ना लिखना खाना पीना जो भी करना है सब क्या आता है, मेन वर्ब में आता है। और जो एक्जिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसमें ये एम आएगा, ई जाएगा, आर आएगा, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डन, ये सब क्या आएगा, हैव बीन, हैज बीन, हैज हैव बीन, सब विल बीन, विल से, सब क्या आएगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आएगा। क्या इसमें आएगा? एक्जिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब में आएगा। ठीक है, और जो मेन वर्ब में आएगा उसमें आएगा रीडिंग, पढ़ना लिखना खाना पीना, यानी कि जिसमें हिंदी के वाक्य के अंत में नम्यन आए उसमें क्या आता है, हमेशा वो किसमें आता है, मेन वर्ब में आता है। और हम लोग उसको भी बोल सकते हैं कि जिस क्रिया के अंत में नम्यन आए उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अभी तक नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।